एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरनु। तो आज मैं आपको लेकर आई हूं 115 सेक्टर मोहाली में, जहां मैं आपको दिखाऊंगी 2 BHK अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 904, एंड वो भी एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी के अंदर। हम करेंगे वीडियो को शुरू, बट पहले आप देखिए कुछ क्लिप्स। प्रोजेक्ट है वो ऑन रोड प्रोजेक्ट है। यहाँ आप मेरे इस साइड देख सकते हैं, ये खरड़ लांड्रा हाईवे है एंड इसके बिल्कुल एडजॉइंट है हमारा आज का प्रोजेक्ट गिलको फार्म्स। ये है हमारा ग्रैंड एंट्री पूरी टाउनशिप का। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज की हमारी 70 एकड़ की टाउनशिप की ग्रैंड एंट्री, जहां पे आपको फर्स्ट सिक्योरिटी चेक मिल जाएगा। एंड फर्दर ये जो टाउनशिप है ये 2 फेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर 3 BHK फेज एंड सेकंड इज योर 2 BHK फेज। एंड दोनों ही फेजेस के अंदर आपको सेपरेट गेट्स मिल जाएंगे विद प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम। प्रोजेक्ट के अंदर आपको 60 फीट वाइड रोड मिल जाएंगे, जिससे टाउनशिप के अंदर आपको ट्रैफिक का कोई इशू नहीं आने वाला है। 2-way यहाँ पे रोड्स बनाए गए हैं विद प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स। आज की जो हमारी टाउनशिप है वो पूरी 70 एकड़ में स्प्रेड है एंड प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्लस आपको ग्रीन एरियाज भी मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको लश ग्रीन पार्क्स मिल जाएंगे एंड पूरे ही प्रोजेक्ट में जो ग्रीनरी है वो भी बिल्कुल वेल मेंटेन्ड आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ हमारे आज के अपार्टमेंट के बाहर। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक 2 BHK सैंपल अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 904 स्क्वायर फिट। G+3 का कॉन्सेप्ट रहेगा एंड पार्किंग के लिए यहाँ बाहर आपके पास स्पेस दिया गया है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस दिया गया है, इजिली आप यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं एंड यहाँ से आप अपने अपार्टमेंट में एंटर कर सकते हैं। दिस इज द लॉबी एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। एक फ्लोर पे आपके 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड अपने अपार्टमेंट में एक्सेस करने के लिए आप स्टेयरकेस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ है आज का हमारा सैंपल अपार्टमेंट, तो आइए चलते हैं अंदर। सो दिस इज आवर सैंपल अपार्टमेंट फॉर द डे, जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड गाइज, मुझसे ये बोले बिना बिल्कुल नहीं रहा जाएगा कि इन्होंने इस सैंपल अपार्टमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे यहाँ पे आ जाता है आपका फॉयर एरिया, जहाँ पे स्पेस आपके पास मिल जाता है कि आप अपना शू रैक वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। यहाँ पे एक वॉल आ जाएगा जिस पे अभी इन्होंने एक डेकोरेटिव पीस लगा रखा है। आप चाहेंगे तो यहाँ पे इसको गैलरी भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं अपनी फैमिली की। एंड आगे आप आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आ जाती है आपकी वॉल एंड यहाँ पे एक स्पेस है। तो इन्होंने इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा है कि यहाँ पे इन्होंने एक बुक शेल्फ लगा दी है जिसमें इन्होंने बुक्स रखी हैं, बहुत सारी ऑर्नामेंटल चीज़ें रखी हैं। तो आप भी अगर इस घर को खरीदते हैं तो आप इस तरीके से इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ आ जाएगा आपका ड्रॉइंग एरिया। इस एरिया का जो आपका साइज है वो रहेगा आपका 12x14, ये जो आपका कंबाइन एरिया है। एंड आई मस्ट से लाइक इस घर को देख के ना मुझे घर वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छी। लाइक
इमेजिन यहाँ पे आप बैठे होंगे, वहाँ पे किचन है, वहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे आप बैठ के मजे से गप्पे मार रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं वो भी आपकी गप्पे सुन रहे हैं, प्लस यहाँ पे टीवी चल रहा है, वाओ लाइक क्या वाइब आने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने एक सोफा लगा रखा है, आप चाहेंगे तो आप भी ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं अपने ड्राइंग एरिया में। एंड पीछे वॉल पे आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स ऐड कर रखी हैं, यहाँ पे मिरर ऐड कर रखा है जो इस वॉल का ना लुक ही चेंज कर देता है, बहुत ब्यूटीफुल इस वॉल को बना रहा है, क्योंकि जब हम वहाँ से आते हैं ना सामने नज़र इस पर पड़ती है तो इट शुड लुक ब्यूटीफुल, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी आपकी एसी की डक्टिंग एंड इस साइड आ जाएगा आपका एलईडी पैनल जहाँ पे आप अपना एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक चेस्टर भी ऐड किया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो आप भी ऐड कर सकते हैं। एंड ड्राइंग एरिया के बिल्कुल एडजॉइंट आ जाएगा आपका किचन, ये आपका फुली मॉड्यूलर किचन रहेगा। आप जो भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं सारी फिटिंग्स आपको एज इट इज मिलने वाली हैं। आपके अपर कैबिनेट्स, आपके लोअर कैबिनेट्स विद सॉफ्ट क्लोजर, आपका चिमनी एज इट इज आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट एरिया जहाँ पे आपको सिंक प्रोवाइडेड है एंड यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी मिल रहा है। एंड गाइज यहाँ पे ना आपके डस्टबिन के लिए भी स्पेस दिया गया है। लाइक बहुत ऐसा होता है कि हम डस्टबिन बाहर रखते हैं किचन का तो लाइक वो गंदा दिखता है कभी कभी एंड स्मेल भी करता है कभी कभी, तो आपको वो इशू नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया गया है, आप अंदर अपना डस्टबिन रख सकते हैं। एंड इस एरिया को इन्होंने एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर यूज़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चेयर्स भी ऐड करी है इन्होंने, तो अगर आप भी चाहेंगे तो आप भी ऐसा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, अपने किचन को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये था हमारा ड्राइंग एंड हमारा किचन। अब हम चलते हैं हमारे रूम्स की तरफ। यहाँ पे आपको दो बेडरूम्स मिल जाएंगे विद अटैच वॉशरूम एंड अटैच बालकनी। तो आइए पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। सो दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम इन द साइज ऑफ 10x14। पूरे मॉडर्न डिजाइन से इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा बेड का स्पेस, जैसे इन्होंने यहाँ पे बेड लगा भी रखा है, साइड टेबल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ पे। एंड इस साइड आ जाएंगे कबर्ड्स विद गुड स्पेस एंड यहाँ आ जाएगी आपकी बालकनी, यहाँ आ जाएगी रनिंग बालकनी, ये सेकेंड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी। एंड जैसे आप देख ही सकते हैं दे हैव पुटेड हेयर टेबल एंड चेयर, तो आप भी ऐसी कुछ बैठने के लिए अपने बालकनी में अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लाइक अभी सर्दियां हैं तो धूप में बैठना तो सबको ही पसंद है, प्लस लाइक यहाँ से डायरेक्ट धूप आ रही है तो सनसेट भी लाइक आप यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। सो ये थी हमारी बालकनी। एंड इस साइड आप देखें, इस साइड वाली वॉल को इन्होंने कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे लगा रखी हैं इन्होंने एंड यहाँ पे एक वुडन पीस भी ऐड कर रखा है। अगर आप चाहेंगे तो आप भी कुछ ऐसा अपने रूम में कर सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे LCD भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, आप यहाँ पे पैनलिंग करके अपना LED भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इस साइड आप आएंगे, यहाँ पे इन्होंने मिरर ऐड कर रखा है फॉर योर ड्रेसिंग, लाइक आप चाहेंगे तो आप भी एक यूनिक तरीके से ऐसे अपने रूम में मिरर सेट कर सकते हैं, या फिर आप जो दूसरा ड्रेसिंग टेबल होता है वो भी अपने रूम में यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड यहाँ आ जाएगा आपका वॉशरूम। सो ये रहेगा हमारा वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम यहाँ पे दिया गया है एंड पूरी ब्रांडेड फिटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। आप जितनी भी फिटिंग्स यहाँ पे देख रहे हैं, आपका सिंक, आपका सीट, सारा जैगुआर की फिटिंग्स यहाँ पे हो रखी हैं ऑलरेडी। सो ये था हमारा वॉशरूम, यहाँ आ जाएगी आपकी AC की डक्टिंग। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे सेकेंड बेडरूम में, बट वहाँ जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक स्पेस दिखाना चाहती हूँ। इन्होंने यहाँ पे फ्लावर्स ऐड करे हैं, बट ये भी आपको एक वॉल मिल जाता है जहाँ पे आप वो कोई अच्छी सी पेंटिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको भी आप अगर चाहेंगे तो अपने फैमिली पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो ये भी आपको एक डेकोरेशन के लिए एंड अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा हमारा सेकेंड बेडरूम, अगेन इन द साइज ऑफ 10x14। इसको भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरा घर आपका बहुत ही सुंदर तरीके से एंड बहुत ही मॉडर्न आइडियाज के साथ डिजाइन किया गया है। तो आप इस रूम को भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। पहले तो आप ये पीछे का पेंटिंग देखें,
कितना अट्रैक्टिव एंड कितना ब्यूटीफुल पूरा विंटेज लुक इस रूम को दे रखा है इन्होंने, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दिस पेंटिंग। बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लग रही है। प्लस आगे आप बेड देख सकते हैं, या आप इस पे जो वर्क देख रहे हैं ये केन वर्क है, जो पहले के ज़मानों में बहुत ज़्यादा होता था, अब तो कम हो गया है, बट ये केन वर्क यहाँ पे किया गया है। लाइक आप पूरा ही डिज़ाइन देख सकते हैं, पूरा इन्होंने विंटेज लुक इस रूम को दे रखा है। ऊपर आप झूमर भी देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका बालकनी का विंडो, जहाँ मैंने आपको बालकनी दूसरे रूम से दिखाई थी वही बालकनी आपकी इस रूम को भी अटैच करती है। एंड यहाँ आ जाएगा आपका एलईडी के लिए स्पेस, जहाँ पे आप अपना एलईडी लगा सकते हैं, प्लस ऐसा कुछ वुडन पीस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगी आपकी एसी की डक्टिंग। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पे मिरर ऑलरेडी आपके पास दिया गया है। यहाँ पे नीचे आपके पास स्टोरेज के लिए भी स्पेस दिया गया है, जहाँ पे आप अपना सारा मेकअप, आपका वेनिटी, आपकी ज्वेलरी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ही आ जाएंगे आपके कबर्ड्स विद गुड स्पेस, एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम, अगेन स्पेशियस विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स। एंड आपकी, जैसे मैंने पहले बताया था, आपकी जितनी भी फिटिंग्स यहाँ पे रहेंगी वो सारी जैगवार की फिटिंग रहने वाली है। एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी दिया गया है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट आर टूडेज वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक 2BHK सैम्पल अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 904 स्क्वायर फिट। पूरा गेटेड सोसाइटी के अंदर आपका ये 2BHK रहेगा। एंड अगर मैं पूरी टाउनशिप की बात करूँ तो 70 एकर्स की पूरी टाउनशिप है, जिसमें आपको कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों ही इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी। एंड अगर मैं प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ऑन रोड आज का हमारा ये प्रोजेक्ट है, जो खरड़ लांड्रा हाईवे के साथ कनेक्टेड रहेगा। एंड अगर मैं हॉटस्पॉट्स की बात करूँ तो नियर बाय में आपको, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें आपको नियर बाय में यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको हमारा आज का 2BHK पसंद आया होगा, आप इसको विजिट करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, ऐसे ही सुंदर सुंदर घर देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।